तो मंत्री और बताइए आज राज दरबार में क्या मंत्रणा की जाएगी। महाराज आज दरबार में एक विचित्र प्रकरण आया हुआ है और इस प्रकरण का समाधान केवल आप और आप ही कर सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड के सारे विचित्र प्रकरण हमारे ही राज दरबार में होते हैं। ए बंधु, क्योंकि पता है ना राजसभा में रामा है। चुप बैठ, चुप बैठ। तो बताइए मंत्रीवर, क्या बताए महाराज? वही जो विचित्र समस्या के बारे में आप हमें बता रहे थे कुछ क्षण पहले, उसी के बारे में बताइए। महाराज दो जुड़वा भाई हैं, रमेशम और सुरेशम। महाराज दोनों भाई दिखने में एक दूसरे के प्रतीक दिखते हैं। उनके पिताजी ने अपने प्राण त्यागने से पहले संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जमीन जो है वो रमेशम को मिली और सोने के सिक्कों का संदूक सुरेशम को मिला। तो इसमें समस्या क्या है मंत्रीवर? समस्या ये है महाराज कि दोनों सोने के सिक्कों के लालच में अपने आप को सुरेशम बता रहे हैं और वो संदूक की मांग कर रहे हैं। तो उनके परिवार से मिलकर स्थिति स्पष्ट कर लीजिए, इसमें समस्या क्या है? कठिनाई ये है महाराज कि परिवार के लोग दोनों को पहचानने में असमर्थ हैं। मंत्रीवर उन दो भाइयों को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज ये रमेशम है और ये नहीं नहीं महाराज ये रमेशम है और वो सुरेशम नहीं वो सुरेशम है और ये क्षमा कीजिए महाराज, हमें खुद को ज्ञात नहीं कि रमेशम कौन है और सुरेशम। महाराज मैं सुरेशम हूँ। नहीं महाराज मैं सुरेशम हूँ। महाराज पिताश्री ने खेती के लिए इसे भूमि दी थी और संदूक मुझे दिया था, मैं ही सुरेशम हूँ। मिथ्याभाषी है ये महाराज, सोने के लालच में ये झूठ बोल रहा है। मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ महाराज। नहीं महाराज मैं सुरेशम हूँ। महाराज मैं सुरेशम हूँ। नहीं मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ। नहीं मैं सुरेशम हूँ। मैं महाराज आप ही न्याय कीजिए। हम भी स्वयं संशय में हैं, क्या किया जाए। पंडित गुरुवर जी महाराज इसके नेत्र इसके नेत्र से बिल्कुल मिलते हैं। इसकी नाक से बिल्कुल मिलती। हाँ आचार्य। अरे ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। महाराज आचार्य बिल्कुल उचित कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, बिल्कुल एक समान। इन्हें देखकर कहना असंभव है कि कौन कौन है। कहने का तात्पर्य ये है कि कौन रमेशम है कौन सुरेशम ये बता पाना असंभव है। इस समस्या का हल हमारे पास है। क्या हल है गुरुवर? महाराज हम कह रहे थे कि सुरेशम जी गुरुवर। अरे दोनों के मुड़ गए, एक को मुड़ना था जो सुरेशम है। मैं ही सुरेशम आचार्य।
बहुत चतुर हैं ये दोनों। महाराज हम तो पहले से जानते थे ये दोनों एक साथ पलटेंगे। घंघोर समस्या है महाराज। गुरुवर समस्या घंघोर है ये तो स्थापित हो गया है, इसी का तो हल ढूंढना है हमें। हाँ चिंता मत कीजिए महाराज, इस समस्या का हल भी हमारे पास है। बताइए क्या हल है? महाराज हमारे पास एक अभिमंत्रित मुद्रा है, हम इस सिक्के को हवा में उछालेंगे, तुम दोनों इसका एक एक पक्ष चुन लेना, जो जीतेगा वही सुरेशम होगा। ये उचित नहीं महाराज। क्यों उचित नहीं? आचार्य ये मुद्रा के लिए उचित समय नहीं है। क्यों? गुरुवर मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण आपको इस संदर्भ में कुछ कहना है? महाराज अग्नि जलानी होगी। कहाँ अग्नि लगानी होगी पंडित रामकृष्णा? हाँ महाराज यहीं पर। क्या यहाँ? यहाँ दरबार में अग्नि प्रज्वलित करनी होगी? ये कैसा समस्या का समाधान हुआ महाराज? चिंतित ना हो गुरुवर, अब अग्नि ही इस समस्या का हल करेगी कि कौन सुरेशम है और कौन रमेशम। परंतु कैसे पंडित रामकृष्णा, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल वैसे ही महाराज जैसे माता सीता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रमाणित की थी। आप भी आदेश दें महाराज कि राज दरबार में एक अग्नि कुंड की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। आप दोनों अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाएं। आप दोनों एक एक करके अपना हाथ इस अग्नि पर रखेंगे। अब अग्निदेव अभी यही बता देंगे कि कौन सुरेशम है। याद रहे जो भी सुरेशम होगा उसका हाथ अग्नि में नहीं जलेगा। जो तुम बोल रहे हो वो संभव नहीं है रामकृष्णा। महाराज ये उचित नहीं है। बिल्कुल उचित है महाराज, भरोसा रखें। जो भी सत्य कह रहा है उसे कुछ नहीं होगा। सांच को आंच नहीं, माता सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा देकर ये प्रमाणित किया है। बात तो आप सत्य कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। और आप दोनों भी भरोसा रखें क्योंकि अग्निदेव सत्य बोलने वाले के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब अपना हाथ इस अग्नि कुंड में रखो। सत्य महाराज। मैंने असत्य कहा, अब न्याय करने के लिए ये करना आवश्यक है। पर कैसे, क्या, क्यों? इसने मेरी बात का विश्वास किया आचार्य और मेरे झूठ को सत्य मान लिया। इसे लगा मैं तो सत्य कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और बिना भयभीत हुए इसने अपना हाथ इस अग्नि पर रख दिया, ये सोचकर कि इसका हाथ नहीं जलेगा। वास्तव में यही सुरेशम है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, हम प्रसन्न हुए। रमेशम अभी समय है, सत्य स्वीकार करो वरना हमारे जल्लाद पत्थर से भी सत्य स्वीकार करा सकते। इतनी यातना देंगे तुम्हें कि तुम सह नहीं पाओगे। स्वीकार करो सत्य को। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मैं लालच के यश में आ गया था। ये सुरेशम है, किंतु महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज।
कैसा अन्याय? स्पष्ट करो। मैं बड़ा भाई हूँ, ये मुझसे दो पल छोटा है, किंतु पिता ने इसे सोने से भरा हुआ संदूक और मुझे खेती के लिए जमीन दी है, ये अन्याय तो है महाराज। पिता अपने पुत्र के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते मित्र, उल्टा उन्होंने तो तुम्हें असली धन दिया है। सुरेशम को तो केवल उन्होंने सोना दिया है, लक्ष्मी तो चंचल होती है मित्र, कभी भी कहीं भी चली जाती है। क्या तात्पर्य है आपका? तुम्हारे पिता ने तुम्हें उपजाऊ भूमि दी है, तुम जब चाहो प्रतिवर्ष उसकी उपज से सोने के भंडार भर सकते हो, जो कभी खाली नहीं होगी। महाराज मेरी आपसे एक विनती है, मेरे भाई को दंडित न करें। वो प्रायश्चित कर रहे हैं। सुरेशम, ये आपके अपराधी, यदि आप इन्हें क्षमा करना चाहते हैं तो हम भी इन्हें क्षमादान देते हैं। पंडित रामकृष्णा, अद्भुत, आप चतुर ही नहीं विद्वान भी हैं। आपने आज ये सिद्ध कर दिया है कि सांच को आंच नहीं है ना गुरु? जी महाराज। हाँ महाराज, सत्य है महाराज, अब आप कह रहे हैं तो सत्य ही है महाराज, पर हमें तो पहले से इस पर शंका थी महाराज। सत्य गुरुवर, वो तो है। हम प्रसन्न हुए पंडित रामकृष्णा, हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करते हैं। परंतु गुरुवर जी महाराज, हम आपसे एक प्रश्न करना तो भूल ही गए। आज्ञा कीजिए महाराज। आपने ये पगड़ी क्यों धारण की है? फिर से पगड़ी? स्वास्थ्य तो ठीक है आपका? वही तो महाराज, मैंने भी आचार्य से यही प्रश्न किया था। जी महाराज, हम भी देखकर चकित हो गए थे, हमने भी यह प्रश्न पूछा था, परंतु आचार्य महाराज ये देखिए, ये हम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ है, सब देखिए, आप भी देखिए, देखिए हैं। परंतु गुरुवर, आपने अपनी पगड़ी में ये केला और ये सेब क्यों छुपाया हुआ था? ये महाराज वो, हाँ महाराज वो कभी कभी दरबार बहुत समय तक चलता है ना, महाराज हमें भूख बहुत लगती है तो हमारा भोजन है महाराज, वो अब दरबार छोड़कर भोजन करने तो नहीं जा सकते, हम अपना भोजन साथ में लेके चलते हैं, अवसर पाते ही अपनी शुदा को मिटा लेते हैं। गुरुवर धन्य है आप। जी महाराज, आप हमारी, हमारे राज दरबार की, सभी सभासदों की कितनी चिंता करते हैं। जी महाराज उचित है, आप धन्य हैं आचार्य, आप धन्य हैं। अरे रामा, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, जरूर कोई अहित होने वाला है। अच्छा, अभी तक तो केवल मुझे लगता था कि तेरी जीभ लंबी है, अब तेरी आंखें भी निकल आई और फड़क भी रही है। वाह वाह भगवान, चुप कर। एक बार फिर समस्या का हल निकालने का हमारा श्रेय पंडित रामकृष्ण ले गया। पंडित रामकृष्ण दिन प्रतिदिन हमारे लिए समस्या बनता चला जा रहा है। गुरुजी, रामकृष्ण का मस्तिष्क बहुत ही चतुराई भरा है। वही तो, पता नहीं कहां से चतुराई भरी बुद्धि लेकर जन्म लिया है उसने। मन करता है कि उसके मस्तिष्क में हाथ डालकर उसकी बुद्धिमता निकाले। जी गुरुवर। और उसके मस्तिष्क की चटनी बनाकर तुम दोनों को खिला दें। पर हम शाकाहारी हैं गुरुजी, हमें क्यों? अरे चुप रहो मूर्ख, हम मात्र कहने के लिए कह रहे हैं। जरा सोचो, यदि पंडित रामकृष्ण के पास बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, क्या करेगा वो? हर समस्या का हल हम निकालेंगे, हमारा नाम होगा, यश होगा हमारा। प्रणाम प्रभु, छोटी की पुनः संध्या पूजन करनी है। फिर से? जी प्रभु। कल प्रातःकाल कर लेना। स्वामी, छोटी की जितनी पूजा करेंगे वो आपकी उतनी ही बुद्धि बढ़ेगी। हमने जैसे सुबह कहा था ना कि एक पंडित की बुद्धि उसकी छोटी में होती है। भाग्यवान,
परंतु ये जो समय है हमारी चोटी के सोने का समय है, और सोते समय चोटी को जगाना उचित नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान को सोते समय जगाना उचित नहीं होता है। अच्छा प्रभु, हमें तो ज्ञात ही नहीं था, कल हम इससे भी पहले आएंगे। इतनी छोटी सी बात हमारे मस्तिष्क में आई क्यों नहीं? उधर सब पोलम पोल है ना, इसीलिए है ना मनी। सत्य वचन धनी। यदि पंडित रामकृष्णा की बुद्धि उसकी चोटी में है तो क्यों ना उसकी चोटी को ही नष्ट कर दिया जाए। पंडित रामकृष्णा बुद्धिहीन हो जाएगा तो महाराज उसे दरबार से निष्कासित कर देंगे, और पंडित रामकृष्णा के निष्कासन के बाद एक क्षत्र हमारा राज होगा। हम ही हम होंगे राज पुरोहित तथाचार्य। जी गुरुवर। यानी मनी, हमारे मस्तिष्क में एक योजना है और तुम दोनों को हमारा साथ देना होगा। ध्यान से सुनो, नगर में ब्रह्मानंद नाम का एक व्यक्ति है, वही सर्वनाश करेगा पंडित रामकृष्णा की चोटी का। उसने एक अद्भुत तेल का निर्माण किया है जिसको लगाने से बाल निकल जाते हैं। उसी तेल से सर्वनाश होगा पंडित रामकृष्णा की चोटी का। परंतु सबसे पहले तुम दोनों को उस वैद्य ब्रह्मानंद के पास जाना होगा। जी गुरु जी। गुरु जी। पंडित रामकृष्णा। लामा उठ, क्या सोते लेते हैं? हमें तो चलना, चल खेलते। अरे गुंडप्पे, विश्राम करने दे, चल भाग यहां से। सूर्य निकल आया है, आप अभी भी क्यों सो रहे हैं? मेरी मर्जी, तुम उधर ही झाड़ू क्यों लगा रही हो जिधर मैं सो रहा हूँ? आप उधर मुख करें जिस तरफ हम झाड़ू लगा रहे हैं। परंतु अभी झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? उठा लो। देखो ना ही मैं झाड़ू उठाऊंगा और ना ही लगाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। कभी तो किसी कार्य की जिम्मेदारी उठा लो, जब भी देखो सारा काम हमें करना पड़ता है, कभी किसी चीज में कोई सहायता नहीं करते, हम पूरे दिन इतना व्यस्त रहते हैं। शारदा महोदया, आपसे कितनी बार निवेदन किया है कि गृह कार्य हेतु एक सेविका नियुक्त कर लीजिए। अच्छा, तो आप सेविका भी चाहिए? हमें अच्छे से ज्ञात है कि आप सेविका लाने का सुझाव क्यों दे रहे हैं। अरे तुम तो वार्तालाप कहाँ से कहाँ ले जाती हो, तुमसे तो वाद विवाद करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो करते क्यों है? हाँ, नहीं करना है मुझे कोई वाद विवाद, जा रहा हूँ मैं स्नान करने के लिए। करो तुम अपनी झाड़ू, और चल तुझे खेलना था ना, तू चल चल मैं तेरे साथ खेलता हूँ, चल चल चल। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मनी, आज तू नहाया नहीं क्या? कल रात में तो नहाया था, तू सप्ताह भर से नहीं नहा रहा है, तेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। अरे नहीं नहीं, दुर्गंध आपके पास से नहीं आ रही, मुझे इन जड़ी बूटियों के बीच रहकर सुनने की आदत पड़ गई है। अच्छा। आप लोग कौन है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम महान राजगुरु तथा चार्य के शिष्य हैं, धनी और मनी। उन्हें आपके खास विशेष तेल की आवश्यकता है जिससे केश निकल जाते हैं। किंतु क्यों? हमारे गुरुजी को वो तेल स्वयं के लिए चाहिए, क्योंकि उन्हें केश कर्तन करने वाली कैंची से डर लगता है। मैं अभी लेकर आया। कितना प्यारा दृश्य है ना? अति उत्तम। ये लीजिए, इसमें हल्दी और चंदन का लेप है, इससे त्वचा की हानि भी नहीं होगी और केस भी निकल आएंगे। अच्छा, हम कैसे विश्वास कर ले? पहले इसे प्रमाणित करके दिखाओ, तब मानेंगे हम। किंतु प्रयोग किस पर करें, मेरे पास सुविधा नहीं है। हाँ वो तो है। मनी, वो सामने देख, कितना सुंदर रंग बिरंगा पक्षी है। कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ देखना,
कहाँ? वहाँ वहाँ। अरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरे सामने ही तो है, देखना। कहाँ देखूं? यहाँ देख। तूने मेरी चोटी में से केश निकाले, मेरी बुद्धि कम हो जाएगी। अरे मनी, तू तो बुद्धि का सागर है। अच्छा? हाँ, दो चार बूंदे कम भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। ये सोच कि मैंने इस तेल को प्रमाणित कर दिया। कितना चमत्कारी तेल है ये। चमत्कारी तो बहुत है रामा की चाची। अरे बचा ले रामा, मैं तो गया।